भिवानी के फैंसी चौक पर गत दिवस तमंचे से दहशत फैलाने वाले युवकों को भिवानी की CIA टू ने किया गिरफ्तार। आपसी रंजिश को लेकर की थी फायरिंग, मात्र एक सप्ताह के अंदर किया गिरफ्तार। जांच अधिकारी से जानिए पूरा मामला। दिनांक 12-13 की रात को पुलिस को सूचना मिली थी कि रोहतक गेट और फैंसी चौक के बीच में दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हुआ और उसमें गोलियां चली हैं, जिस पे पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए और SI संजय ने मौका पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें SI संजय की शिकायत पे मुकदमा दर्ज हुआ और उसमें दो पक्षों में जो शेरा पक्ष और दूसरा पक्ष अमन है, जिनकी आपस में पहले से रंजिश थी, दोनों पक्षों के बीच लड़ाई झगड़ा की बात सामने आई और उनमें गोलियाँ चली हैं, जिसमें शेरा पक्ष से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए और शेरा और विष्णु को इनको अरेस्ट किया है। शेरा से पुलिस ने एक पिस्तौल बरामद किया है और एक राउंड बरामद किया है। इनका भी रिमांड लिया जाना है। रिमांड के बाद जो आगे कार्रवाई होगी उसमें नए तथ्य जो भी सामने आएंगे उनसे आपको अवगत करा दिया जाएगा। दूसरा पक्ष जो है अमन सनोप दुष्यंत राणा, ये भिवानी का ही है। इस पक्ष से अभी तक पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए हैं, जिनमें चिराग, वीरेंद्र और अशोक। चिराग और वीरेंद्र से एक एक असला बरामद किया है और वीरेंद्र से अशोक से अभी कुछ बरामद नहीं हुआ है। इनका भी हमने रिमांड लेके और आगामी कार्रवाई की जानी है, गहनता से पूछताछ की जानी है। इनसे बरामद किए गए हैं दो राउंड तो चिराग से बरामद किए गए हैं असला के साथ और एक राउंड शेरा पक्ष से शेरा से बरामद किया गया है जिंदा राउंड। इनकी पहले रंजिश है, इनकी आपस में अमन और शेरा की आपस में पहले रंजिश है, इसी रंजिश के चलते इनकी फ़ोन पे बातचीत हुई थी और उसी के दौरान इनका लड़ाई झगड़ा हुआ था। इसमें करीब 12-13 लोग अमन पक्ष की तरफ से नामजद जो इनके इन्वेस्टिगेशन में सामने आए हैं और उनको अभी शामिल जाँच किया जाना है। नहीं, ये रंजिश के चलते ही फायरिंग हुई है, इसमें ऐसा कोई खास वजह नहीं थी। हाँ, पहले भी इन पर लड़ाई झगड़े के केस हैं, इनमें जो अरेस्ट किए हैं इनमें से और जिनके नाम आए हैं उनमें से भी कुछ पे मुकदमे दर्ज हैं, कुछ पे नहीं है। अभी उनका रिकॉर्ड हमने संबंधित थाना से लिया जाना है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है।